हेलो इंजीनियर्स, तीस सौ प्रशांति। तो आज आपके लिए लाए हैं एक डोर सिक्योरिटी, जो कि बहुत ही इजी से मैंने इसको बनाया है। इस पर आप दो प्रकार का काम कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट आप इस पर सिग्नल दे सकते हैं, और एक है जो कि आपके मोबाइल पे सिग्नल देगा और आपके हिसाब से आप इस पर सिग्नल भेज सकते हैं। तो ये जो है एक रेड स्विच से मैंने बनाया है, जो कि मैग्नेट से ये काम करते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं ये जो सर्किट है ये किस प्रकार से हम लोग आसानी से घर पे बना सकते हैं और इसका टोटली काम क्या है, सब कुछ आपको डिटेल्स में इस वीडियो में बताते हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय चेल्सी पीसीबी। नया पीसीबी के लिए गर्बल फाइल अपलोड कीजिए, थिकनेस, कलर, क्वांटिटी ये सब सेट करके सिर्फ $2 में ऑर्डर कीजिए कोई भी कलर पीसीबी। अच्छे क्वालिटी पीसीबी का भरोसा जेएलसी पीसीबी, और ऑर्डर देने के बाद 10 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा आपका पीसीबी। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये जो प्रोजेक्ट है इसको आप बिना प्रोग्रामिंग के भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने बिना प्रोग्रामिंग से फिट किया है, जो कि एक त्रिफलभावे आईसी हमने लगाया है और कुछ कंपोनेंट की मदद से ये बनाया है। तो यहाँ पे आउटपुट पे एक स्पीकर जो कि बाजर मैंने लगाया है, आप किसी भी स्पीकर या माइक कोई भी चीज़ लगा सकते हैं वॉइस के लिए, ठीक है, मतलब जो साउंड करेगा। और अंदर एक बैटरी है जो कि वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। आप इस पर जो कि 4 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक कोई भी वोल्टेज आप इस पर प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसको जब भी हम लोग ऑन करेंगे तो ये जो रीड स्विच आप सामने देख रहे हैं इसके सामने एक मैग्नेट हम लोग डालेंगे जो कि दरवाजे पे रहेगा। तो मैग्नेट जब भी इस पर हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो ये अभी ऑन करते हैं, तो अभी ये ऑन हो गया है। तो मैग्नेट जितना टाइम यहाँ पे रहेगा उतना टाइम ये कोई सेंस नहीं करेगा, मैग्नेट हटा देने से ये सिग्नल दे देगा। तो देखा आपने, अगर फिर से मैग्नेट इसके सामने लाएंगे तो ये बंद नहीं होगा। तो इसको सामने ला के उसके बाद रीसेट बटन पे क्लिक करेंगे तो ही ये बंद होगा, नहीं तो ये नहीं बंद होगा। मतलब एक बार कोई दरवाज़ा ओपन कर लेगा तो उसके बाद रीसेट बटन बिना दबा के इसको बंद नहीं कर पाएगा। दरवाज़ा बंद करने पर भी ये साउंड करता रहेगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन गैजेट है। तो फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इसको हटा के अगर रीसेट बटन दबाएंगे तो ये ऑफ नहीं होगा, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको लगा के ऑफ करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही अच्छा एक चीज़ है। तो अभी इसी सर्किट को हम लोग अलग से एक सर्किट इस पर फिट करेंगे। करने के बाद जीएसएम सर्किट फिट करके हम लोग इसको थोड़ा बेहतरीन बनाएंगे, थोड़ा अपडेट करेंगे। तो अभी चलिए इस सर्किट पर हम लोग जीएसएम सर्किट को बना के फिट करते हैं, उसके बाद हम लोग मोबाइल पे ये रिसीव करेंगे, जो सिग्नल देगा वो मोबाइल पे आ जाएगा। इस वीडियो का सारे कंपोनेंट्स और पार्ट्स क्वार्ट्स कंपोनेंट्स से खरीदा हुआ है, बहुत ही अच्छा और सस्ता कंपनी है। अगर आप चाहते हैं वहां पे जाके बहुत ही कम रेट पे खरीद सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक मिल जाएगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया है। तो ये एक छोटा सा एक सर्किट है जो कि 555 IC से हमने इसको बनाया है। आप इसको अलग से भी काम कर सकते हैं, कोई प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस पर से आउटपुट करके आप इसका काम कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसका साथ जो जीएसएम का सर्किट है उसको हम लोग फिट करेंगे, तो वो सर्किट हम लोग अभी बनाएंगे। तो चलिए जीएसएम सर्किट को बना के इस पर फिट करते हैं।
तो अभी देख सकते हैं जीएसएम सर्किट भी कंप्लीट हो गया है। तो अभी जीएसएम सर्किट को हम लोग इसके साथ जो पहले जो सर्किट मैंने बनाया था पीसीबी उसके साथ कनेक्शन करेंगे और इस पर प्रोग्रामिंग डाल के जो माइक्रोकंट्रोलर है इस पर प्रोग्रामिंग डाल के हम लोग इसका काम आसानी से काम कर सकते हैं। अगर जीएसएम सर्किट का जो प्रोग्रामिंग है वो अगर आपको पता नहीं तो मेरा एक पिछला वीडियो है वहां पे जाके आप देख सकते हैं किस प्रकार से जीएसएम सर्किट को प्रोग्रामिंग करके इस पर हमने फिट किया है, सब कुछ आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, ऊपर कोने में बटन है उस पर क्लिक करके भी आप इस पर जा सकते हैं। तो अभी चलिए इसको फिट करके हम लोग टेस्ट करते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सर्किट मैंने फिट कर दिया है। तो यहाँ पे एक स्पीकर लगाया है, तो स्पीकर का काम क्या है, सिग्नल देने के लिए। क्या सिग्नल है वो आपको मैं बताऊंगा। तो अभी देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने सेंसर को लगाया है जो कि यहाँ पे एक मैग्नेट है, दरवाजे पे मैंने मैग्नेट लगाया है। तो जब भी दरवाजा ओपन करेंगे ये एक्टिव हो जाएगा और सिग्नल दे देगा जीएसएम पर। तो जीएसएम क्या करेगा, मेरे मोबाइल पे सिग्नल देगा, मतलब जीएसएम मेरे मोबाइल पे एक कॉल भेजेगा। तो कॉल में यहाँ पे क्या करूँगा, कॉल आएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे दरवाजा कोई ओपन किया है, ठीक है। तो मैं तुरंत आके देख सकता हूँ कोई ओपन हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर मैं दूर में रहा तो मुझे ये स्पीकर को बजाना है, तो मैं कॉल को काट के फिर से रिपीट कॉल कर दूंगा, इस पर करने पर स्पीकर बजने लगेगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो जब ये दरवाजा को ओपन करेंगे देखिएगा सिग्नल आ जाएगा, तो सिग्नल आ गया है और जीएसएम भी अभी सिग्नल दे दिया और मोबाइल पे फोन आ जाएगा। अभी देखिए मोबाइल पे फोन आ गया है, तो यहाँ पे बजने लगा है। तो अभी मुझे इस स्पीकर को बजाना है, तो जब भी मैं फोन को कटूंगा, कट के फिर से मैं रिपीट कॉल करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए कॉल कर रहा हूँ, अभी सिग्नल आ गया है तो ये बजने लगा है, देखा आपने। तो बहुत ही अच्छे से ये काम करता है, मतलब अभी ये बज रहा है, मतलब मुझे अभी सिग्नल दे दिया है और दरवाजे पे अगर कोई रहेगा तो इस सिग्नल से चला जाएगा। तो मैं इसको अभी काट देता हूँ, तो रिपीट में काट के इसको देखिए काटने से ये बंद हो गया सभी, तो अभी बंद हो गया है। तो इस प्रकार से ये प्रोजेक्ट मैं बना सकता हूँ और आप लोग भी इस बना सकते हैं इस वीडियो को देख के। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से घर पे एक जीएसएम वाला जो कि सिक्योरिटी डोर लॉक हम लोग बना सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।